सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंटल एस्थेटिक इश्यूज हम क्लिनिक पर देखते हैं वो है गैप्स बिटवीन द टीथ और दांतों के बीच में गैप्स होना। यह आपके कॉन्फिडेंस को काफी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन आपके कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाई, आई एम डॉक्टर निले भाटिया, डायरेक्टर ऑफ कॉस्मोडोंटिस्ट डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। आई एम अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट एंड अ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। जो लोग फ्रंट टीथ के गैप को क्लोज करवाना चाहते हैं उनके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फर्स्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ब्रेसेस को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये विजिबल होते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है। लेकिन आपके फ्रंट टीथ के गैप को क्लोज करने के लिए अब ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आज का वीडियो सेशन उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने फ्रंट टीथ के गैप को क्लोज करवाने के लिए ऑल्टरनेट नॉन ब्रेसेस सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट आज के टाइम पे है कॉम्पोजिट विनियर्स। अगर आपके फ्रंट टीथ में स्मॉल गैप है और आप इसके लिए एक क्विक फिक्स चाहते हैं तो कॉम्पोजिट विनियर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक सिंपल कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर है जिसमें हम एक टूथ कलर कॉम्पोजिट रेजिन फिलिंग से गैप फिल कर सकते हैं। एक बार जब मटेरियल हार्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट क्योर मशीन, देन हम एक स्पेशल ड्रिल से इसको ट्रिम और पॉलिश करके शेप देते हैं। यूजली भी ये प्रोसीजर सिंगल डेंटल विजिट में ही कंप्लीट हो जाता है। कॉम्पोजिट विनियर्स हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन ये स्टेन रेजिस्टेंट भी होता है। इसके लिए आपको आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स पॉलिश करवाना पड़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर डाइटरी हैबिट्स। इसे फिलिंग के बाद आपको कुछ खाने के प्रिकॉशंस भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि हार्ड फूड आइटम्स लाइक बादाम टॉफीज, जिनको नेल बाइटिंग करने की आदत हो उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती है इस बारे में। सेकेंड ट्रीटमेंट इज पोर्सलिन विनियर्स। ये थिन टूथ कलर्ड शेल्स होते हैं जो पोर्सलिन से बनी होती है और इन्हें डेंटल लैब्स बनाकर देती है। ये फिक्स करने के बाद काफ़ी नेचुरल टीथ जैसे लगते हैं। विनियर्स को अटैच करने से पहले टूथ एनामल को 0.3 टू 0.5 mm ग्राइंड करना पड़ता है एंड देन आपके टीथ का इंप्रेशन लेकर डेंटल लैब भेजा जाता है। विद इन 3 to 4 days लैब आपके डेंटिस्ट के पास विनियर बनाकर भेज देती है। विनियर को टूथ के आउटर सर्फेस पे फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल ल्यूटिंग सीमेंट। बहुत से कॉस्मेटिक इश्यूज जैसे स्टेन्स, क्रैक्स और थोड़े अनइवन फ्रंट टीथ के अपीयरेंस को भी फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द विनियर्स। पोस्टली विनियर्स स्टेन रेजिस्टेंट भी होते हैं और ये आपकी च्यूइंग फोर्स को भी काफ़ी हद तक सह सकते हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट विनियर का कंपैरिजन में हाईली ड्यूरेबल होते हैं। इनकी लाइफ 7 to 10 years तक होती है, इसके बाद आप न्यू विनियर्स भी लगवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है डेंटल क्राउन्स। हम एक गुड क्वालिटी डेंटल क्राउन से भी गैप्स को बंद कर सकते हैं। अगर आपके टीथ के इनामल काफ़ी वीक है तो हम क्राउन्स भी एडवाइस करते हैं। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि हम आपके टीथ को इनामल को काफ़ी ग्राइंड कर देते थे, दैट इज 1 to 1.5 mm एज कम्पेयर टू विनियर्स। इसलिए ये ऑप्शन वही यूज़ करना चाहिए जहाँ विनियर्स नहीं लग सकता है। लास्टली अलाइनस। नाउ डेज पेशेंट फ्रंट टीथ के गैप को क्लोज करवाने के लिए क्लियर अलाइनस का ऑप्शन को भी चूज़ करते हैं। ये ब्रेसेस की तरह ही काम करती है बट इसमें वायर नहीं होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट अल्ट्रा क्लियर प्लास्टिक शीट से बनती है और इसको टीथ को अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वर्चुअली इनविजिबल है। हालांकि इनका यूज़ हर एज ग्रुप के लिए किया जा सकता है बट लेकिन इन्हें वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ट्रेडिशनल बेसिस के बिना फ्रंट टीथ के गैप्स को फिक्स करवाकर एक परफेक्ट स्माइल की लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हैं। अलाइनर्स की काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनविजिलाइन नाम का एक अलाइनर ब्रांड है जो सबसे वर्ल्ड फेमस है। आप अपने एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास विजिट करके अपने लिए बेस्ट ऑप्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई टीथ अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट या अभी भी कोई क्वेश्चन है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।